ऑल गुड। क्लच वायर टूट गया। अरे यार, हाँ आगे पूछा तो तेरे खलसी में हो जाएगा। अच्छा अभी कैसे चला रहे हो फिर गाड़ी? अभी तो मेरा धक्का ही लग रहा। अरे एक मिनट मैं देखता हूँ, उसके पास है शायद। इसकी क्लच वायर टूट गई। अपने पास है क्या कुछ? क्लच वायर तो नहीं है मतलब, तो वैसे जैसे स्कूटी की नॉर्मल वायर वगैरह आती है ना, हाँ वो भी लग जाती है। नेक्स्ट आगे विलेज वगैरह कौन सा पड़ता है? वही खलसी है आगे। खलसी कितना आगे? कोशिश कर रहे थे। कितना आगे? अभी तो शायद 10 से 15 के आसपास होगा। 10-15 किलोमीटर लिखा है तो मंदिर से पूछा तो बताते हैं कि 12-14-15। अच्छा नहीं, ऊपर से तो स्लोप था, वहाँ से तो आराम से आ गए होंगे। हाँ वहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ फिर बाकी अभी लकड़ा के जा रहे हैं फंसी तक ही नहीं। किसी गियर में नहीं आ पा रही क्या? गियर में ट्राई करें तो ट्राई। तो एक काम करना ना, जैसे पुश करेगा फर्स्ट गियर डाल देना। आता है वैसे बिना क्लच के गियर डालना? नहीं तो भी डाल तो रहे। स्टार्ट हो जाएगी? हाँ स्टार्ट स्टार्ट हो जाएगी। मतलब तरीका बता दो कैसे डालते हैं। हाँ एक बार हल्का सा ब्लिप करते हैं और गियर ऊपर करते हैं, ऐसे करके चलाते हैं। नहीं अभी नहीं, अभी अभी मत डालना। एक बार स्टार्ट करना, थोड़ी स्पीड आने के बाद फिर गियर डालना, ठीक है? 5-7 की स्पीड पे तब गियर डालना। चलो मैं पीछे जा रहा हूँ, चलो। स्टैंड लगा हुआ है। ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्लच वायर वगैरह टूटना। चलो ये हो गया सही। चलो मैंने इन्हें टेक्निक बताई, उस हिसाब से चल रहे हैं, वरना पुश करके लेके जाना बहुत भारी काम हो जाता। गियर बढ़ा सकते हो? हाँ गियर बढ़ा लो। ठीक है भाई, चले जाओगे? ओके ऑल द बेस्ट। ओके ब्रो ऑल द बेस्ट। अरे बाप रे, ये तो बड़ा खतरनाक सा ब्रिज है। ओहो उनका वेट करें क्या? पीछे ही है वो लोग, पीछे रुक गए शायद। मैं देख के आता हूँ एक मिनट। चलो आ रहे हैं। ये पीछे एक ब्रिज आया था, ब्रिज थोड़ा टेक्निकल सेक्शन था, इस वजह से मैं रुक गया इन लोगों को देखने के लिए कि आराम से आ पा रहे हैं नहीं। आजो आजो आजो। हाँ अच्छा अच्छा कोई नहीं, आराम आराम से चले जाओ। वो कह रहा है कि उससे गियर जब नीचे करते हैं तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा रुक रुक के आ रहे हैं वो। कोई नहीं, हम भी ध्यान देते हुए जा रहे हैं इन पे, पीछे अकेले नहीं छोड़ेंगे। That's what brotherhood is about.